नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको एक बार फिर अपने गार्डन में लेके आए हैं और आपको सारा दिखा रहे हैं। और आपको हम बार बार यही हाथ जोड़ के अरदास करते रहते हैं भी आप भी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाएं। और बहुत हमारे दोस्तों ने स्टार्ट कर दी हैं, ये अपनी सेहत के लिए ही है। और ऐसे तो बाज़ार से आप जब जाए लेके आ सकते हैं, खा भी सकते हैं और खा भी रहे हैं दोस्तों। और हम ये लेके आए हैं रस्सी और आपको सारा दिखाएंगे। जो जो हमने चीज़ें पहले लगाई थी आपको वीडियो में दिखाई थी, इस रस्सी की हमें बहुत ज़रूरत थी और रस्सी लेके आए हैं। और फिर हम अपने सब्जी के बूटे वगैरह को इधर बांध देंगे, दिखाते हैं आपको सारा व्यू। उधर हमारी भिंडी लगी हुई है, इधर अपनी हरी मिर्च शिमला मिर्च वगैरह लगी हुई है साथियों। और आज हमने सोचा भी आपके लिए वीडियो बनाई जाए और आपको आपके साथ शेयर की जाए। और दिखा रहे हैं आपको सारा। और हम अब लगा रहे हैं अपनी इधर भिंडी में अपना पानी लगा रहे हैं। ये हमारा सारा इधर भिंडी वाला सेक्शन है। साथियों, भिंडी हमने पहले एक बार लगाई थी, आपके साथ वीडियो शेयर की थी। और छत के ऊपर हवा बहुत लगती है और वो बारिश के कारण खराब हो गई थी। फिर हमने दोबारा लाई है, दोबारा हमारी भिंडी एक एक बीज उगाया उसका, बहुत ही ठीक है। हमारी पूरी क्यारी में इसमें भिंडी लगी हुई है। और सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। अगर दोनों टाइम पानी ना दें तो बस भिंडी फिर सूख जाती है। गर्मी थोड़ी हो चुकी है इसलिए हम शाम के टाइम अपने गार्डन में आ चुके हैं। और कम से कम हमें एक शाम को घंटा लग जाता है। और सुबह तो पानी वगैरह देते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते इस टाइम। पानी वगैरह जो भी घास वगैरह हमें उखाड़ना पड़ता है इससे, और गड़ाई वगैरह भी करनी पड़ती है सारा। शाम के टाइम टाइम ज़्यादा लगता है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप भी कहीं भी जगह मिले लगाएं इसको और शुद्ध सब्जी खाएं, इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब। इसके टेस्ट का कोई ही मुकाबला नहीं, कोई ही जायका नहीं है। इसलिए हम तो मिंत करते रहते हैं साथियों और आपको दिखाते भी रहते हैं। और हमारे ब्रदर है एक राजपुरे से, और दो तीन हमारे और दोस्त हैं, वो कहते धन्यवाद करते हैं मेरा बहुत भी, आपने हमें बहुत अच्छा ये वीडियो में दिखाया है। और वो बनाने लग गए हैं, गार्डनिंग स्टार्ट कर दिया है। और कहते हैं बहुत ही मज़ा आया शुद्ध सब्जी खाने का, उसका कोई इस का कोई मुकाबला नहीं है। भिंडी में हमने पानी लगा दिया है और अब हम लगा रहे हैं शिमला मिर्च में। और ये हमारा कुछ पुदीना वगैरह लगा हुआ है ऑर्गेनिक। हम तो ऑर्गेनिक ही चीज़ ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, यूज वही खाते हैं। चलो, दूसरे बाज़ार से भी खानी पड़ जाती है सब्जी मजबूरी में, इसमें और उसमें तो बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये हमारी अच्छी सब्जी है, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च लगाई है। पहले हमने आपको दिखाई थी जब लगाई थी, और कम से कम लगभग 20-25 दिन हो गए हैं इसको, और फूल आना भी स्टार्ट हो गया और शिमला मिर्चें भी छोटी छोटी लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं। वो भी हम आपको सारा दिखाएंगे, एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे साथियों। और छत के ऊपर थोड़ा मुश्किल तो है पर मेहनत जरूर करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। छत के ऊपर एक हवा चलती है तो प्रॉब्लम आती है, सब्जी हमारी उखड़ जाती है, इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता है सब्जी को। और ये भी देखो शिमला मिर्च वगैरह हमने बांधी हुई है यहाँ पर। और फिर आज रस्सी भी लेके आई है, हमें रस्सी की बहुत ज़रूरत थी, रस्सी भी हमारे पास कम थी, आज हम लेके आए हैं और सारा आपको दिखाएंगे कैसे हम रस्सी के साथ सब्जी को बांधते हैं। जहाँ एक बार ये और ये लोहे के पाइप लेके आने हैं साथियों, 40 पाइप कटे हैं हमने लगभग। हमें पहले हमने यहाँ लकड़ के लगाए हुए थे बांस के, वो जल्दी गड़ जाते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है, ये हमारे कई साल चल जाएंगे, गड़ेंगे नहीं ये। और इनके पास इनके साथ सब्जी भी अच्छे तरीके से बंधी रहती है।
और साथियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। देखो साथ में सब्जी में पानी भी देना है और आपके लिए हमने वीडियो भी बनानी है, आपको साथ लेके चलना है, आपको सब कुछ दिखाना भी है, पर क्या करें, लगे रहते हैं फिर भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और आगे भी औरों को भी जोड़ें जिससे हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। हाँ जी, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो हमें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, पर आपके प्यार ने हमारा अनुभव काफ़ी बढ़ा दिया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले ही अपना लगे रहते हैं, मस्त रहते हैं और काम तो करते हैं, साथ में वीडियो वगैरह भी बन जाती है और आपके साथ साथियों शेयर कर लेते हैं। और आगे आगे आपके दया दृष्टि से हमें और अनुभव बढ़ता रहेगा। ये हमारे बैंगन बैंगनी लगी हुई है, बैंगन नहीं है, यह है बैंगनी। बैंगन में हमने आपको पहले ही बताया था कीड़ा वगैरह हो जाता है, वो हम कम ही लगाते हैं। और ये कुछ हमारी यहाँ चुकंदर लगी हुई है, ऑर्गेनिक चुकंदर भी हम बड़े शौक से खाते हैं, ये है चुकंदर। हाँ जी, हम आ चुके हैं और ये हमने ले ली हैं रस्सियाँ और इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसके बाद अब अपनी शिमला मिर्च को बांधेंगे। हमने कुछ बांध भी रखी हैं पहले और आप भी बांधेंगे इनको, जिससे हवा में ज़्यादा हिले ना और नीचे ना मतलब कि गिरे पौधा, इसलिए यहाँ पर ये अटका रहेगा। दो दो तीन तीन बार हमने इसको बांध दिया है। ये छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं और अब इसको बांध रहे हैं। लगभग शाम के 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। साथियों लगे रहो अपना काम धंधे में जुटे रहो, सब्जियां हरी खाते रहो, सेहत अपनी बनाते रहो। हम इधर उधर बैठने की बजाय तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, गल अपने खाने पीने को कुछ मिल ही जाता है। और एक ये हमारे पास है जमूर, ये जमूर है जिससे रस्सी काटते हैं हम, इससे हमें बहुत ही आसानी होती है रस्सी काटने में। और सब्जी हमारी तकरीबन सारी लग चुकी है और कुछ सब्जी आनी भी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ बेलें अभी लगाई थी वो बीज फूट चुके हैं और वो बेलें बढ़ रही हैं, वो भी आपको सारा साथ के साथ दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें साथियों। और हवा भी आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा चल रही है, बहुत हवा चलते हुए और फिर भी हम अपने हौसले के साथ लगे हुए हैं और लगे रहते हैं अपना, और मिट्टी में हाथ अपना डालते रहते हैं। हमें अपना किसानी की भी याद रहती है भी हाँ लगे रहो भाइयों, अपना काम खुद करते रहो। और जो ये गार्डनिंग है ये कोई माली मुल्ली के सिर के बस का काम नहीं है, ये माली लगा लिया और गार्डनिंग हमारी जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो सब्जी है ये तो खुद करनी पड़ती है, माली तो आया दूसरे तीसरे दिन
और करके चले गया, उसमें नहीं काम चलता। ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, तभी हरी सब्जी मिल पाएगी खाने के लिए। और इन पैपों का हमें बहुत ही बेनिफिट है साथियों, बहुत ही बढ़िया। अब हमें कोई खतरा नहीं, अब हमारी सब्जी बिल्कुल एकदम ठीक है, हवा में हिलती जुलती तो रहती है पर मतलब कि इसका गिरने का कोई खतरा नहीं है। अब ये खतरे से बाहर है, मिंत करते हैं और हमारा पौधा गिर जाए, बड़ा दुख आता है। जो सब्जी उगा रहा है उसी को पता है इसके ऊपर मिंत कितनी है, और एक भी बूटा टूट जाए या कुछ हो जाए तो बहुत दिल को चोट पहुंचती है। इतनी मिंत करने के बावजूद और हमारा बूटा जैसे एक बच्चे को पालते हैं ना, वो ही है सारी प्रक्रिया, बच्चे बड़ी वैसे ही पालना पड़ता है इसको, बच्चे जैसे ही। बच्चे जैसे ही पालना पड़ता है इसको। और हम इसमें दो बार खाद डाल चुके हैं जिससे जल्दी इसने अपनी रफ्तार पकड़ ली सब्जी ने। और साथ ही हमने पहले भी शिमला मिर्च वगैरह लगाई है, तब हमारे इतने अच्छे बूटे नहीं चले थे, कुछ हमें अनुभव भी कम था, पर हमें तो अब पता चल गया भी कौन से सीजन में कौन सी चीज लगेगी और कौन कौन सी लगानी चाहिए छत के ऊपर। छत के ऊपर भी बहुत तरीके से चीज लगती है, हड़कम सड़कम चीजें जो बेले बुले हैं वो भी ढंग से ही लगानी पड़ती हैं। ये है हरी मिर्च, इसके ऊपर भी फूल बन चुका है और मिर्ची भी बननी स्टार्ट हो चुकी है। और ये हमने आपको दिखाया है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च की खेती, ये हमारी शिमला मिर्चें हैं। हाँ जी, ये देखें ये भिंडी लगी हुई है, भिंडी का अच्छा जमा हुआ हुआ है, अच्छी हमारी भिंडी। कुछ पौधे इसमें से मर भी जाते हैं, देखें जैसे पौधा मर गया, ये वाला सूख जाते हैं पौधे। और ये भिंडी का सेक्शन है, यहाँ हमने सारी ही भिंडी लगाई है। और साथ ही वो देखें हवा कितनी चल रही है, बहुत ही ज्यादा, और आसमान में बादल छाए हुए हैं। और ये हमारा है ऑर्गेनिक पुदीना, और ये है हरी मिर्च, देखें इनके पर फूल आ चुका है और फूल बन भी रहा है और मिर्चें भी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ही शानदार बूटे हो रहे हैं। और ये देखें ये है शिमला मिर्चें, ये देखो इनमें भी फूल आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बूटे हुए हैं शिमला मिर्च के, बहुत ही बढ़िया। और ये साथियों ये देखें शिमला मिर्चें भी लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं, लग रही हैं शिमला मिर्चें, इधर भी लग रही हैं, देखें ये अंदर शिमला मिर्च लगनी स्टार्ट हो चुकी है, ये धनिया लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा शानदार व्यू है। और ये हमारा बैंगन, बैंगन के बूटे और लगाएंगे, अभी इतने बढ़िया से हुए नहीं, तीन चार बूटे ही हुए हैं। और ये टमाटर भी लगने चालू हो चुके हैं, और ये है चुकंदर, चुकंदर, और इधर है ये टमाटर का सेक्शन, ये सारे टमाटर भी आने चालू हो चुके हैं, ये देखें काफी टमाटर भी लगे हुए हैं। साथियों ये हमारा सीक्रेट है, एक जो ये पौधा है यहाँ आप ध्यान रखें, जब अगली बार वीडियो दिखाएंगे तो ये है लौकी का, ये हमने बहुत दूर से मंगाया है, यूपी से बीज मंगाया था और जमा बहुत कम है, अभी जाम रहा है। और ये कुछ लौकी यहाँ हमने लगाई हुई है, और ये हमारी है काली तोरी,
ये भी चल रही है, इसको भी रस्सी से बांध देंगे। और इधर भी हमने वो पाइप लगाए हुए हैं, अपने यहाँ पर टिंडे भी लगाए हुए हैं इसमें, और ये भी अपना तो काली तोरी, और ये मिर्च का पौधा, और ये हमारी है देखें घिया, घिया के बूटे दो लगाए तो कहीं थे पर दो हुए हैं पर फिर भी, और यह है काली तोरी। ये काली तोरी हमारे पास काफ़ी, हमने बीज लगा दिए थे, किसी हमारे दोस्त को यार मित्रों को चाहिए ले सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं हम लेंगे, पैसे ही देंगे, और जैसे हम और भी चीज़ें अपनी साथियों के साथ शेयर करते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं, ये भी हमने ऑर्गेनिक पुदीना लगाया हुआ है, और ये हरा धनिया जो हो रहा है हमने पहली बार, ये भी तोड़ना है, और ये मिर्च नाग दी बच्ची, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार कलर है इस मिर्च का, जब आएगी तो आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर भी फूल बनना स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारा हरा धनिया बहुत ही अच्छा जमा हुआ है, बहुत ही अच्छा जामा है, और ये पालक, पालक को पता नहीं क्या, पिछली बार भी पालक कमी हुई थी, इस बार फिर भी हुई तो है, चलो कुछ छिद्दी जामी है थोड़ी, और इनमें हमने पालक लगाई है दो में, और इधर हम ड्रमों में हमने लगाया धनिया, क्यों धनिया हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, चटनी वगैरह बनाते रहते हैं ऑर्गेनिक, और इन ड्रमों में हमने लगाया यहाँ पर खीरा, खीरा भी हम खाते रहते हैं, वो भी हम ऑर्गेनिक ही लेते हैं, और ये है कनेडियन लहसुन। साथियों जो ये लहसुन है इसको बस काट के ही इसके पत्ते डलते हैं, दोबारा फिर इसके पत्ते आ जाते हैं, और ये है किसी ने बताया तो है, हमें लेके आए थे नर्सरी से, कहा ये उसका पौधा हींग का, पर मुझे लगता नहीं है, कोई और ही पौधा निकला है। और ये है हमारा तेज पत्ता, इससे भी हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया। और इधर आपको दिखा रहे हैं साथियों, ये देखें करेले, ये भी हमने डंडे लगा दिए हैं, बेलें इसकी चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, और यहाँ ऊपर इसको चढ़ाएंगे, यहाँ पर रस्सियों से इसको बांध देंगे, और अब हमारी क्यारी किचन गार्डन हरा भरा होना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बादल वगैरह हो रहे हैं, वो शिमला मिर्चें वगैरह लगी हुई हैं, पहले से काफी हरी भरी हो चुकी है हमारी गार्डनिंग गार्डन।